हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पांच ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो कि कैमरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पांचों ट्रिक अच्छे लगेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इन पांचों ट्रिक को हो सकता है जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो सकता है कि आप कुछ जानते हो और कुछ ट्रिक नहीं जानते हो, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले ट्रिक की। पहला ट्रिक आप देख सकते हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं आप, फोन के आर पार है। आपको भी देख करके अचंभव हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना बहुत ही सिंपल है और आप किसी के साथ इस तरीके से प्रैंक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपने हाथ की इस तरीके से अपने फ़ोन से तस्वीर लेनी होगी और तस्वीर लेने के बाद इस तस्वीर को ओपन करना होगा और इस तरीके से अपने हाथ को लगाना होगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। आप फोटो को जूम कर सकते हैं, अगर आपको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो जूम या करने के बाद इस तरीके से एडजस्ट करके आप किसी के साथ प्रैंक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड वही रखिएगा जहाँ पे आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि जो भी दिखे वो लगे कि रियल है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे दूसरे ट्रिक की। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इस तरीके से सेल्फी खींच रहे होते हैं तो कई बार आपको डर लगता है कि आपका फ़ोन गिर ना जाए, क्योंकि आप एक ही हाथ से फ़ोन को पकड़े हुए होते हैं और एक ही हाथ से आपको बटन भी क्लिक करना होता है, तो इस समय कुछ परेशानियां होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आप अपने ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में इस तरीके से सिंपली ईयरफोन को लगा सकते हैं और एक हाथ से बड़ी आसानी से फ़ोन पकड़ सकते हैं, दूसरे हाथ से इस तरीके से ईयरफोन के बटन को क्लिक करके एक सेल्फी स्टिक की तरह बड़ी आसानी से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से फ़ोन को पकड़ सकते हैं। चूँकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ से थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप हो गया, पर आप सेल्फी स्टिक की तरह बड़ी आसानी से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा तरीका दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए बात करेंगे आगे हम तीसरे तरीके के बारे में, तीसरा ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको तीसरे ट्रिक के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जब आप किसी नोट या फिर किसी तरीके के भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अपने फ़ोन से जूम करके इसके अंदरूनी या फिर डिटेलिंग को देखना चाहते हैं तो आपको ये दिख नहीं पाता है, धुंधला दिखता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये बहुत ही ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे टाइप करके देख रहा हूं, पर किसी भी एंगल से ये जूम नहीं हो पा रहा है, ना ही मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है। आपको देखने के लिए आपको इस तरीके का लेंस ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिंपली ये काम अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आप अपने कैमरे पे इस तरीके से एक साफ बूंद का पानी रख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये आप अपने रिस्क पे करिएगा, मेरे कहने पे मत करिएगा, क्योंकि आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्क पे ये ट्रिक आजमाइएगा। इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपने कैमरे को थोड़ी देर इसी बूंद पे रहने दीजिएगा और इस तरीके से हल्के तरीके से पलटिएगा। पलटने पे दोस्तों आपका जो फ़ोन होगा, फ़ोन का कैमरा होगा, वो एक लेंस की तरह काम करने लगेगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना कैमरा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अब आप डिटेलिंग देख पाएंगे नोट की। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने नोट को ले आ रहा हूँ पास में, और जैसे ही ले आ रहा हूँ कैमरे के पास में, ये देखिए कितना ज़्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बारीकी से जो है कि नोट की यहाँ पे जो भी 10 रुपये आर लिखा हुआ है, वो बहुत ही आपको डिटेलिंग के साथ दिख रहा है। तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं पानी को हटा देता हूँ, पानी को हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पानी को हटा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को लेंस बना सकते हैं। चलिए चौथे ट्रिक की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चौथा ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई घर में इस तरीके से पुराना रिमोट पड़ा हुआ है, किसी वजह से ये काम में नहीं आ रहा है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये वाकई सही है या नहीं सही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अपने कैमरे को ओपन करने के बाद रिमोट के सामने लाइएगा और रिमोट के बटन को दबाइएगा बैटरी लगा के। तो इस तरीके से आपको डॉटेड बिंदु रेड या ब्लू दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रिमोट वाकई सही है या नहीं। तो इस तरीके से आप अपने रिमोट को पता लगा सकते हैं कि बैटरी की वजह से प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर आप अपने रिमोट के ख़राब या सही होने की जाँच कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको ये रेड जो भी कलर वाली लाइट है आपको नॉर्मली नहीं दिखती है। तो ये भी एक ट्रिक था दोस्तों। चलिए बात करेंगे आखिरी और लास्ट पाँचवें ट्रिक के बारे में। यह ट्रिक मैं नए यूट्यूबर के लिए बता रहा हूँ जो यहाँ पे ट्राइपॉड बनाना है। बहुत ही सिंपल बना सकते हैं आप। एक पानी का बोतल ले लीजिए इस तरीके से, मोबाइल और एक रबड़, और रबड़ को दोस्तों इस तरीके से मोबाइल पे ला करके एक बार लगा दीजिए, और इसको ले आते हुए बोतल के पीछे से ला करके फिर से मोबाइल पे इस तरीके से लगा दीजिए। आप जैसे ही लगा देंगे आपको यहाँ पे एक ट्राइपॉड मिल जाएगा, एक ट्राइपॉड का सेक्शन मिल जाएगा। आप इस तरीके से आगे वाले कैमरे से और साथ ही साथ पीछे वाले कैमरे से कहीं से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इस तरीके से ट्राइपॉड बना सकते हैं। आप इस तरीके से बड़े ऊंची जगह पे कहीं आप अपना फ़ोन इस तरीके से लगा सकते हैं, बोतल को रख सकते हैं, और रखने के बाद एक अच्छी तरीके से जो है कि वीडियो शूट कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप अपना अच्छा ट्राइपॉड बना सकते हैं दोस्तों, बड़ी सिंपली मात्र 10 रुपये में। 10 रुपये क्या, आपको फालतू की चीज़ों से आप इस तरीके से ट्राइपॉड।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीचे लाल कलर में अगर सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है तो जरूर से आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं ऐसी जो भी नई और लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।